हार्दिक मिश्रा जी सर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ, जिसमें मैं सीएमए फाउंडेशन वाले बच्चों को लास्ट 90 डेज यानी कि जो तुम्हारे 3 मंथ्स बचे हुए हैं, दैट इज मार्च अप्रैल एंड मे की स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ। बहुत स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी है, इवन आपको नंबर ऑफ डेज भी बताऊंगा कि कौन सा चैप्टर कितने दिन पढ़ना है। हाँ सही सुने आप लोग, कौन सा सब्जेक्ट कितने दिन पढ़ना है ये नहीं बताऊंगा, कौन सा चैप्टर किस दिन पढ़ना है, कितने दिन में खत्म करना है, रिवीजन शेड्यूल कैसे बनाना है, टाइम टेबल कैसे बनाओगे, पढ़ने की स्ट्रेटेजी क्या है, क्वेश्चन कौन से सॉल्व करने हैं, कौन से वीडियोस रेफर करने हैं, कहां से पढ़ना है, स्कैनर एंड ऑल दीज थिंग्स यू नीड टू रेफर और नॉट, टेस्ट सीरीज का क्या ही सीन है, ये सारी चीज आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो में। तो वीडियो में लास्ट तक बन रहे हैं और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दो, बेल आइकन को दबा दो और वीडियो को लाइक कर देना, लास्ट में अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, क्योंकि जितने ज्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुंचेगी उतना ज्यादा अच्छा होगा बच्चों के लिए। ऑलरेडी चैनल से 2 अटेम्प्ट्स के बच्चे फायर परफॉर्मेंस देके निकल चुके हैं, इवन स्टूडेंट स्कोर 350+, और उन लोग कोई भी कोचिंग कोई भी पेड लेक्चर कुछ भी ज्वाइन नहीं किए थे, सिर्फ मेरी वीडियोस और मेरी स्ट्रैटेजी फॉलो अप करते हुए 350+ मार्क्स भी स्कोर किए बच्चों ने, सो दैट इज समथिंग रियली गुड, 360-370 तक भी मार्क्स गए। तो तुम लोग भी मेरी स्ट्रैटेजीज को सुनो ध्यान से और मेरे लेक्चर्स को रेफर करो तो तुम भी गो थ्रू कर जाओगे फाउंडेशन। ये मेरा तुम लोगों से मतलब, तुम लोग यार अपना लगा दो 100%, मैंने अपने तरफ से काम कर दिया है, अब तुम्हें अपने तरफ से काम करना है, और जब तुम्हें अपने तरफ से काम करना है तो तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। तो वीडियो में आगे बढ़ने के पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, दिस इज द साइट फ्रॉम अन अकेडमी, दैट अन अकेडमी इज गोइंग टू कंडक्ट इंडियाज बिगेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट एग्जामिनेशन विच इज ऑफ वर्थ ₹1 करोड़, और आप इसके लिए एनरोल कर सकते हो, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। एग्जाम 20 फरवरी को 12 बजे है। ऑल्सो CA इंटर की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो ऑडिट एंड एश्योरेंस सब्जेक्ट जो कि 25 फरवरी यानी कि आज से ही स्टार्ट हो चुका है, आप मेरा कोड हार्दिक मिश्रा यूज कर सकते हो सो दैट यू कैन गेट 10% ऑफ, और मोहित अग्रवाल सर जो है वो लेने जा रहे हैं आपका ऑडिट एंड एश्योरेंस का क्लासेस CA इंटरमीडिएट ग्रुप 2 का, ठीक है। ये आपके फीस स्ट्रक्चर है फॉर 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ एंड 24 मंथ, एंड यू आर गोइंग टू गेट फ्लैट 10% ऑफ इफ यू आर गोइंग टू यूज माई कोड दैट इज हार्दिक मिश्रा। तो यू कैन गो एंड चेक आउट, ऑल द लिंक्स आई एम गोइंग टू प्रोवाइड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक है। दिस द फैकल्टी फॉर योर ऑडिट एंड एश्योरेंस, ओके। सो मूविंग अहेड, अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं, तो जैसे कि तुम लोगों को पता है तुम्हारे 4 सब्जेक्ट है, और उन सब्जेक्ट्स को मैंने उस सीक्वेंस में बांट दिया जिस सीक्वेंस में डिफिकल्टी लेवल होती है बच्चों को, दैट इज योर मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स, अकाउंटिंग एंड कॉस्टिंग, लॉ एंड एथिक्स और इको एंड मैनेजमेंट। आपको मैं बताने वाला हूँ वो सीक्वेंस जो आपको फॉलो अप करना है अपनी प्रिपरेशन के लिए फ्रॉम टुमारो, जिस दिन आप वीडियो देख रहे हो उसके अगले दिन से आपको स्टार्ट कर देना टाइम टेबल बनाने के बाद, अगले ही दिन से। अगर आप आज वीडियो देख रहे हो तो आप 26 से स्टार्ट कर दोगे, अगर आप कल वीडियो देखोगे आप 27 से चालू कर दोगे, क्योंकि 3-4 दिन जो हमारे पास बच भी रहे ना वो भी हमको लास्ट में काम आ जाएंगे, ठीक है। इधर उधर की चीजें होती, बहुत सारी एग्जाम की रिक्वायरमेंट्स होती है, उन सब चीजों में काम आ जाएंगे। तो इसीलिए बोल रहा हूं कभी किसी का बर्थडे आ गया, तबियत खराब हो गई, तो ये तो रिजर्व हो गए, क्या हो गए, जो 3-4 दिन एक्स्ट्रा तुम सरप्लस में लेके चलोगे ना वो तुम्हारे रिजर्व हो जाएंगे। तुम्हारी इच्छा शक्ति है, तुम अपने जितने दिन बचा के चल सकते हो उतना तुम्हारे लिए बेटर होगा। तो सबसे पहले तुम अपना चैप्टर उठा लेना, रेशियो वेरिएशन एंड प्रोपोर्शन, एक दिन में आपको चैप्टर खत्म करना है, कोई और सब्जेक्ट नहीं, कोई और सब्जेक्ट का कोई टॉपिक नहीं, मैथ्स का कोई दूसरा टॉपिक नहीं, कुछ नहीं, रेशियो वेरिएशन एंड प्रोपोर्शन ये चैप्टर आपको एक दिन में खत्म करना है, और ऐसा खत्म करना है कि इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन छोटे बड़े मोटे पतले सारे कॉन्सेप्ट एवरीथिंग यू नीड टू डू और एवरीथिंग शुड बी इन राइटिंग एंड यू हैव टू यूज योर कैलकुलेटर। कैलकुलेटर का प्रयोग आपको सबसे ज्यादा करना है क्योंकि हमारे एग्जाम में कैलकुलेटर का एक बड़ा रोल प्ले है, ठीक है। उसके बाद SICI एक दिन आपको देना है, सेट थ्योरी एक दिन आपको देना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक दिन देना है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एक दिन, APGP एक दिन, डायसेशन लॉग एक दिन, आपका मैथ्स का सिलेबस खत्म हो जाएगा इन जस्ट अ मैटर ऑफ 7 डेज। जब आपको पूरा पूरा दिन में कितने घंटे का आउटपुट देना होगा, मेरे अकॉर्डिंग किसी बच्चे को अगर 5 से 6 घंटे का आउटपुट वो निकाल ले रहा है, भले इंस्टॉलमेंट में 1 घंटे पढ़ आधे घंटे का ब्रेक ले, फिर 1 घंटे पढ़ फिर आधे घंटे का ब्रेक ले, ऐसे कर करके अगर तू जॉब कर रहा है, क्योंकि ये मैं टाइम टेबल इस पॉइंट ऑफ व्यू सेट किया हूं कि एक व्यक्ति अगर जॉब कर रहा है, एक व्यक्ति अगर रेगुलर कॉलेज कर रहा है, एक व्यक्ति अगर घर में भी बैठा है, तीनों के लिए ये एकदम सफिशिएंट है, तीनों के लिए वर्क करेगा ये, तीनों के लिए बनाया ही इस तरीके से गया, बनाया ही इस पॉइंट ऑफ व्यू से गया। तो आपको कितना भी समय आप निकाल पा रहे हो दिन में, मेरे अकॉर्डिंग 5 से 6 घंटा निकाल लो तो बेस्ट प्रिपरेशन हो जाएगी उस चैप्टर की, द बेस्ट, और बेस्ट का मतलब मेरे बेस्ट का मतलब बेस्ट ही होता है, ठीक है। तो इतने समय के दौरान 7 दिन में आपका मैथ्स का सिलेबस माइंड अप हो जाएगा। भैया पढ़े कहां से, मेरे लेक्चर से, CMA फाउंडेशन पूरा कंप्लीट पैकेज फ्री में डाला हुआ है चैनल में, जाओ उसको रेफर करो, प्लेलिस्ट में जाओ, सब कुछ आपको सेपरेट अलग अलग दिखेगा, और क्या क्वालिटी कंटेंट है जाके चेक कंपेयर कर लो, पेड लेक्चर से भी ज्यादा क्वालिटी कंटेंट है, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे लिए काम किया जा रहा है ये सब। उसके बाद आपको आने जाने स्टैटिस्टिक्स में, आपको 2 दिन देना है मॉक को, यानी कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, 2 दिन का समय आपको देना है। उसके बाद आपको डिस्पर्जन सिर्फ 1 दिन का समय देना है क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड है, कोरिलेशन रिग्रेशन, तो कोरिलेशन को 1 दिन, रिग्रेशन को 1 दिन, स्क्यूनेस को 1 दिन आपको देना है,
थ्योरी एंड डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन स्क्यूनेस वाले दिन में ही आपको कवर कर लेना है, क्योंकि दिस इज जस्ट अ थ्योरी और डायग्राम्स, ठीक है। तो थ्योरी याद करने वाली है और डायग्राम बस देखने वाले, तो इसीलिए स्क्यूनेस के साथ, स्क्यूनेस बहुत छोटा टॉपिक है, आई थिंक एक या दो घंटे में खत्म हो जाएगा, एक घंटा, ठीक है। उसके बाद जो आपका दिन बचेगा वो दिन, उस दिन आपको थ्योरी एंड डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करना है, देन एक दिन लगेगा आपको प्रोबेबिलिटी करनी है। अगर आपका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन स्ट्रॉन्ग है, प्रोबेबिलिटी आपको ज्यादा परेशान नहीं करेगा। उसके बाद आपका एक दिन लेफ्ट एक्स्ट्रा बच जाएगा, क्यों? क्योंकि मैंने टारगेट रखा है 60 डेज में आपका पूरा फाउंडेशन खत्म कराना है, ताकि बचा हुआ एक महीना भयानक तरीके से रिवीजन करवा सकूं आप लोगों का, और उस रिवीजन के लिए मुझे टाइम चाहिए है। तो 30 डेज मैंने फ्लैट रख दिए फॉर द पर्पस ऑफ रिवीजन, 60 डेज में आपका पूरा फाउंडेशन का सिलेबस मुझे अच्छे से कंप्लीट करवाना है। तो इसीलिए 15 दिन मैथ्स के कुछ इस प्रकार से आपके चल रहे होंगे सीक्वेंस, इसे आप नोट कर लो। फिर हम आगे बढ़ते हैं अकाउंट्स और कॉस्टिंग में, तो आपको सीक्वेंस सही फॉलो करना है जिस सीक्वेंस में लेक्चर डले हुए हैं प्लेलिस्ट के अंदर, प्लेलिस्ट के अंदर जिस सीक्वेंस में लेक्चर डाले हैं मैंने उसी सीक्वेंस को फॉलो करना है। बस चैप्टर्स के डेज देख लो, बेसिक्स यानी कि थ्योरी वोरी, कैपिटल, रेवेन्यू, ट्रांजेक्शन, ये सब मिला के एक दिन में आपको खत्म करना है। आपका रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर एक दिन, डेप्रिसिएशन एक दिन, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एक दिन, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक दिन, कंसाइनमेंट दो दिन, जॉइंट वेंचर एक दिन, एनपीओ दो दिन, और सोल प्रोप्राइटर दो दिन। सोल प्रोप्राइटर मतलब जो प्रॉफिट ओरिएंटेड एंटिटीज की ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट बनाते हैं, उसको आपको दो दिन। इतना करने के बाद आपको कॉस्ट अकाउंटिंग दो दिन देना है। कॉस्ट अकाउंटिंग इज नॉट सो टफ, ठीक है, थ्योरी थ्योरी ज्यादा है उसमें, ठीक है, और कॉस्ट शीट के क्वेश्चन आते हैं, तो ये चीज है। एक दिन आपके पास यहां पर भी एक्स्ट्रा बच जाएगा, और वो एक्स्ट्रा दिन जो मैथ्स का भी बच रहा है और अकाउंट्स का भी बच रहा है, ये आप उस चैप्टर में इन्वेस्ट कर दोगे जो चैप्टर में आपको अभी तक कॉन्फिडेंस नहीं आया होगा। स्टिल यू थिंक कि नहीं यार इस चैप्टर में मुझे अभी वर्क करना बचा है, तो आप उस चैप्टर में इस एक दिन को क्या कर दोगे, इन्वेस्ट कर दोगे, ठीक है। नेक्स्ट लॉ एंड एथिक्स आपको उठाना है। लॉ एंड एथिक्स में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपको 5 दिन देना है। 5 दिन भैया इतना ज्यादा क्यों? क्योंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अराउंड मेरे ख्याल से 12 लेक्चर्स मैंने डाल के रखे हैं, 12 या 13। तो आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि सबसे बड़ा पोर्शन कवर करता है एग्जाम में, सबसे बड़ा पोर्शन, तो बहुत अच्छे से कंठस्थ करके करना है, रटना भी पड़ेगा, और यही ड्यूरेशन आपको परेशान भी करेगा, क्योंकि पूरा थ्योरी ड्यूरेशन है, तो थ्योरी ड्यूरेशन है, परेशान करेगा, पर ये सोच के करना कि एक बार कर लिया तो फुर्सत हो जाऊंगा, एक बार कर लिया अच्छे से तो फुर्सत हो जाऊंगा, बस ये सोच के करना। और बाकी लेक्चर में तो मैंने बहुत सारे अच्छे अच्छे एग्जांपल्स लिए, ताकि तुमको अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो। अपने तरफ से मैंने अपना 100% देने की कोशिश की है, कहीं कहीं गलती रह जाती है, ह्यूमन एरर लोगों से, पर इसका मतलब ये नहीं है। तो तुम भी अपने तरफ से एफर्ट्स डालो, हम दोनों के एफर्ट्स मिलकर हम 2x जरूर करेंगे इसको। फिर उसके बाद सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट आपको 3 दिन ले लेना है, नेगोशिएबल 2 दिन, एथिक्स आपको 2 दिन में खत्म करना है। उसके बाद एमसीक्यू की मैंने वीडियोस डाल के रखी है, उसका एक अलग प्लेलिस्ट है, वो एमसीक्यू पूरा पूरा आपको एमसीक्यू सॉल्व कर लेना है 2 दिन के अंदर। एक दिन यहां पर भी बच जाएगा, एक दिन यहां पर भी बच जाएगा, उसको आपको उस चैप्टर में इन्वेस्ट करना है जो चैप्टर में आप सोच रहे हो कि आप अभी भी वीक हो। अब यहां पर मैं ये नहीं बोल रहा एकदम रिजिड हो कि आपको यही चीज फॉलो करना है। कुछ स्टूडेंट प्रोएक्टिव होते हैं, वो बोलेंगे भैया मेरा रेशियो प्रोपोर्शन वेरिएशन आधे ही दिन में हो गया, तो बचे हुए आधे दिन में ऐसा ही सही कर लूं। मैं बोला ओके कर ले, तो उससे तेरे दिन बचेंगे, और तुम जितना दिन बचा के चलो, ये तो मैं लो अपर एंड में ले रहा हूं, तुम लोअर एंड में लेके चलो, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कंसाइनमेंट चैप्टर तेरा 2 से ज्यादा दिन ले ले, 3 दिन ले ले, या उस दिन तेरे दोस्त का बर्थडे पड़ जाए तो कंसाइनमेंट का तेरा 1 दिन यूज हो जाए दोस्त के बर्थडे में, तो 1 ही दिन मिले। तो वो जो सेविंग्स करके तू चलेगा ना, दिमाग से टाइम सेव करके चलो, इसी को तो टाइम मैनेजमेंट बोलता हूं मैं, टाइम सेव करके चलो, ताकि कभी अचानक से कोई कंटिजेंसी आ गई, तबियत खराब हो गई, कहीं जाना पड़ गया, इमरजेंसी कोई भी सिचुएशन आई, तो उस समय ये जो तेरी टाइम की सेविंग होगी उसको तू इन्वेस्ट करके उन चैप्टर्स को कवर कर सकता है। तो इसलिए जितना हो सके उतना अपने टाइम को सेव करके चलना, ये सारे टाइम्स में अपर एंड में बता रहा हूं, ठीक है। फिर उसके बाद इको एंड मैनेजमेंट वेरी सिंपल, इसी सीक्वेंस में आपको चलना है, स्टडी नोट 1 से 12, क्योंकि इसमें कोई ऐसे इंटरलिंक वाली बात नहीं है, सबको एक एक दिन देना है, तो 12 है। उसके बाद तुम्हारे 2 दिन बच जाएंगे, ठीक है, 3 दिन बेसिकली, 12 स्टडी नोट्स है, तो तुम्हारे 3 दिन स्टिल लेफ्ट हो जाएंगे, और जब वो 3 दिन तुम्हारे बच जाएंगे तो यू कैन इन्वेस्ट इन दोस चैप्टर जो आपके श्योर नहीं है। इसके बाद इतना कार्यक्रम करने के बाद 60 डेज का आपका कंप्लीट हो गया है पूरा पैकेज, और 60 दिन के अंदर आपकी फाउंडेशन की प्रिपरेशन भयानक हो गई है, क्योंकि एक दिन इज इक्वल टू एक चैप्टर डेडिकेट करके दिया गया था, तो आपका चैप्टर स्ट्रांग होगा। बट स्टिल ह्यूमन ब्रेन आर मेंट टू फॉरगेट, हम चीजों को भूलते जाते हैं, समय निकलने के साथ साथ हम चीजों को भूलते जाते हैं, तो क्योंकि हम चीजों को भूलते जाते हैं तो उसके लिए तुमको मैं बता रहा हूं निंजा टेक्निक। तुम्हारा टाइम टेबल कुछ इस प्रकार से आज बन रहा होगा कॉपी में, ठीक है, आज इस प्रकार से, तो तुम अपनी कॉपी उठाओगे और अपना टाइम टेबल कुछ इस प्रकार से बना रहे होगे, तुम टॉपिक का नाम यहाँ लिखोगे, तुम डेट लिखोगे जिस दिन तुमको टॉपिक पढ़ना है, तुमको उसका फर्स्ट रिविजन और सेकेंड रिविजन करना है उसी दौरान, ठीक है, और उसके बाद यहां पर थर्ड रिविजन भी होगा, रिविजन थर्ड, ठीक है। तो जैसे मान लो यहां पर आपने पहला टॉपिक पढ़ा रेशियो एंड प्रोपोर्शन 1 मार्च को, रेशियो एंड प्रोपोर्शन टॉपिक आपने 1 मार्च को पढ़ा, तो उसका पहला रिवीजन 3 दिन के अंदर हो जाना चाहिए, ठीक है।
तो वो आप 3 मार्च को कर लोगे, 3 मार्च को पहला रिवीजन और फिर दूसरा रिवीजन 1 हफ्ते में, यानी 7 मार्च को इसका दूसरा रिवीजन हो जाएगा, फिर तीसरा रिवीजन 1 महीने में, तो 31 मार्च को आपको इसका तीसरा रिवीजन कर लेना है, 31 मार्च को आपको इसका तीसरा रिवीजन कर लेना है। तो इस प्रकार से आप 4 बार पढ़ चुके हो एक ही चैप्टर को, 1, 2, 3, 4 बार एक चैप्टर को पढ़ चुके हो। मान लो SICI 2 मार्च को पढ़ा आपने, 4 मार्च को इसका पहला रिवीजन हो जाना चाहिए, 8 मार्च को इसका दूसरा रिवीजन हो जाना चाहिए और 1 अप्रैल को इसका तीसरा रिवीजन हो जाना चाहिए। वैसे मान लो सेट थ्योरी आपने 3 मार्च को पढ़ा पहली बार, तो 5 मार्च को इसका पहला रिवीजन हो जाना चाहिए, 9 मार्च को इसका दूसरा रिवीजन हो जाना चाहिए और तुम्हारा 2 अप्रैल को इसका तीसरा रिवीजन होना चाहिए। तो इस प्रकार से तुम लोग सोच रहे हो स्टार्टिंग में, भैया आप एक दिन में सिर्फ एक चैप्टर दे रहे हो, उसके बाद तो हमारा दिन बच जाएगा तो हम क्या करें। तो अगर तुम जॉब वाले, अगर तुम जॉब कर रहे हो या फिर तुम्हारा रेगुलर कॉलेज हो जाएगा बीकॉम, अगर ऑफलाइन स्टार्ट हो गए हैं कॉलेजेस, तो फिर आपको वो वाला टाइम टेबल बेस्ट सूट करेगा। अब जो बच्चे बैठे हुए, जो बच्चे बोल रहे भैया हम तो घर में सिर्फ सीएमए की डेडिकेटेड प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो लोग अपना टाइम टेबल कुछ इस प्रकार से मैनेज कर रहे होंगे। और मैं उन लोगों को भी बोल रहा हूँ जो लोग जॉब या रेगुलर बीकॉम कर रहे हैं, गाइस आप लोगों को भी बोल रहा हूँ कोशिश करना कि आप ये रिवीजन शेड्यूल अपने अंदर डाल पाओ, भले आप आधे घंटे में रिवाइज करो, फटाफट रिवाइज करो, पर एक बार रिवाइज कर ही लो, क्योंकि बैक ऑफ द माइंड फॉरगेटिंग कर्व ऐसे गिरा रहा होता है चीजों को समय के साथ, तो हमको इसको ऐसे गिरने नहीं देना, हमको बार बार इसको ऐसे 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 से उठाते हुए चलना है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे कब उठेगा, जब मल्टीपल टाइम्स रिवीजन हो रहे होंगे, तो रिवीजन शेड्यूल ऐसे ही कॉपी में आपके दिखना चाहिए कि इतने तारीख को ये रिवीजन, इतने तारीख, इतना सिस्टमैटिक टाइम टेबल बनेगा ना कि सामने वाला इंसान देख के पागल हो जाए। ये सेम स्ट्रैटेजी इंटर और फाइनल में बहुत हेल्पफुल होगी, फाउंडेशन में इसको ट्राई करके देखो, ठीक है। यहाँ पर ये नोट पढ़ लो जो मैंने लिखा हुआ है, क्या नोट लिखा मैंने, द डेज allotted are subjected to completion of that whole chapter in the same day including all the questions of that chapter. तो बोल रहा है ये जो मैंने days आपको allot किए हैं एक दिन ration proportion का, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि इस दिन वो बच्चा इस पूरे chapter को complete कर लेगा with all the questions in this chapter. अब वो चाहे रात को 12 बजे के पहले तक पढ़ते रहे, पर उस एक दिन में, उस एक तारीख के दिन में, मान लो 1 मार्च को तुम पढ़ रहे हो, तो 1 मार्च को मैं, 1 मार्च के बाद अगर 2 मार्च को आपसे मैं कोई क्वेश्चन पूछ रहा हूं, किसका क्वेश्चन पूछ रहा हूं, रेशियो प्रोपोर्शन वेरिएशन का, तो आपको क्वेश्चन बनना ही चाहिए, इतना पावरफुल आप प्रिपरेशन करोगे, ठीक है। तो ऐसे काम चलाओ, काम कोई भी बच्चा नहीं करेगा, प्रिपरेशन आपकी पावरफुल होनी चाहिए, क्योंकि मैं जानबूझ के, मैं चाहता हूं नाउ योर प्रिपरेशन शुड बी वेरी स्पेसिफिक, तो मैं जानबूझ के ऐसा एक दिन प्रॉपर एलोकेट कर रहा हूं एक चैप्टर को, क्योंकि अभी 60 डेज में आर या पार की लड़ाई हमारी, हम इसको खत्म करके रहेंगे, हम इस चीज को ठान लिए कि हम अपना सीएमए फाउंडेशन पोर्शन 60 डेज में कवर कर लेंगे और उसके बाद जो 1 मंथ बचेगा उसमें हार्ड कोर रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ स्ट्रैटेजी आपकी चल रही होगी आने वाले समय में, तो इस स्ट्रैटेजी को आप लोग फॉलो अप करोगे, इट इज नॉट 90 डेज स्ट्रैटेजी, इज जस्ट अ 60 डेज स्ट्रैटेजी, 15, 15, 15, 15, ठीक है। उसके आगे की स्ट्रैटेजीज की वीडियो, तुम्हारी रिवीजन एंड ऑल सारी चीजें तुम्हारी आती रहेगी, समय आने के साथ साथ चीजें भी आती जाएगी, पर अभी फिलहाल आने वाले 60 दिन तक आप लोग ये चीजें कर रहे होंगे। इसके अलावा अब आपको कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत या कोई भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि भैया इस चीज में या इसके पर्टिकुलर चीज में कोई दिक्कत है, तो मैं उसके ऊपर भी आपको वीडियो बना के चीजों को एड्रेस कर दूंगा। सो दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो, गाइस वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर दो और शेयर जरूर करना अपने दोस्तों, फ्रेंड सर्कल, ग्रुप्स में, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस चीज की जरूरत है। कई सारे स्टूडेंट्स अभी प्रिपरेशन चालू करे, कई सारे स्टूडेंट्स अभी आधा पोर्शन खत्म कर चुके हैं, किसी भी प्रकार का स्टूडेंट हो, जरूरत इस चीज की जरूर है, तो उन लोगों के साथ शेयर करो। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।